जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई देवे, सोई देवे। मैंने बहुत सपना है कि मैं अपनी सक्सेसफुल होवां, पापा मतलब इदा मेरी दिहाड़ी लाउंदे आ वो ना करें। मैंने बहुत मतलब दुख हुंदा वा कि मतलब मेरी मम्मा लोकां दे घरां जाके काम करदे आ, मतलब मैनूं कई बार रोण भी आउंदा पई मतलब मैं अज सक्सेसफुल होंदी ते मैं नहीं जान देना इन्हां नूं। गल की हुई पापा नूं, पापा की बीमार क्यों रहिंदे आ, की चक्कर? पहला उन्हां दी मतलब लत्तां तो मतलब टुट गईयां, फिर मतलब 3 साल इदा मंजी ते रहे, फिर मतलब 2 साल तो बाद उन्हां नूं कैंसर हो गई, फिर उन्हां किरनां पईयां ते हुण मतलब उन किरनां करके उन्हां नूं मतलब काम नहीं हुंदा, इनफेक्शन हो जांदी है, हाले तक भी इदा चलदा है। ना कितने अपना सुपना जरा कि तुम वेख्या से टुटता नज़र आ रहा, क्योंकि घर के हालात ही यहोजे हो गए हैं हूँ ना, तो फीसा तारी जा रही है। तुम्हें दसिया भी मेरी फीसा खुणो, मैं जरा बजाऊँगी सीखती हाँ कीर्तन सीखती सी, वो भी शर्त है क्योंकि फीसा काफ़ी देन बनिया सी। जी मतलब फीस बहुत जमा हो गई सी, फिर मैं इस करके कीर्तन भी छड़ता, तो मतलब मैं कई ऑडिशन से भी गई सी किसमें कितने हैं दम, तो उतों भी मतलब 2 बारी फोन आया भी मतलब उत्थे फीस ज़्यादा लगी, फिर मैं उत्थे भी नहीं गई, मैं मम्मा ने भी नहीं दस्या भी मतलब इदा मैंने कॉल आई आप ही पैसे मंगन डे, फिर मैं चुप करके इदा बैठी हूँ। कभी कभी कह भी दें भी लवप्रीत तू सुपने बहुत व्डे वेखे आ पुत, पर साढ़े को इन्नी गुंजाइश नहीं हैगी कि सुपने तेरे पूरे कर सकिए। एक औरत बना ती का तोरा बने जो सीधी सब चुप करके, तू भी लाड ले दुख मैनू दिते तेनू पाया सिवे दुख जर के, एक मापिया दे करे खेड खेडी उदो बाद से आप पुत्रा, तेरे बापू दी शराब ने जवानी रोलती तेरे चिट्टे रोल देना है बड़ापा पुत्रा, तेरे बापू दी शराब ने जवानी रोलती तेरे चिट्टे रोल देना है बड़ापा पुत्रा, मैं नहीं चाहनी तेरे कारे आवे जो बेगानी हो भी मेरे वांगू करे मन कोस दी फिर खून दी था डगा चर नच जाच जावे ओ दी चाड़ दी प्यार पर लोच दी फिर जगदीप वे संगाला पिंड पावे लानता, जगदीप वे संगाला पिंड पावे लानता, कदे पुठे राए जान दिता मापा पुत्रा, तेरे बापू दी शराब ने जवानी रोलती तेरे चिट्टे रोल देना है बड़ापा पुत्रा, तेरे बापू दी शराब ने जवानी रोलती। एक माँ वास्ते अपना ढिड़दा जाया बच्चे नूं देना, किसे नूं देना बड़ी वड्डी गल हुंदी। कई बार घर के हालात ही यहोजे हो जाते हैं कि अपना बच्चा किसी देना पैंदा मजबूरी बस, क्योंकि हालात यहोजे हो जाते बच्चे पालन की समर्था नहीं होंगी, अपना ढिड़दा जाया किसी देना पैंदा। सो यहोजी एक गरीब दास्तां तुहाडे कोल लैके आए हैं, गरीब परिवार की लैके आए हैं, जिसने गरीबी तो हुंदे सुंदे अपना एक बच्चा किसी अपने इस तरह देता ता कि उन्हां को पालन पोषण जोगे पैसे नहीं सीगे, घर के हालात माड़े सी। तुसीं देख सकते हो मेरे उपर किदां बाले पए ने, छत्तां वी जिहड़ियां ने टीनां नाल पाईआं ने, इह घर दे वी तुहानूं मैं दिखावां दृश्य दिखावांगा कि तुसीं देख सकते हो घरां दे जिहड़ियां कमरे पए ने कमरे उपर वी टीनां पाईआं ने, हालात ही इहो जिहे ने भी अजे तक इन्हां को
लेंटर पाने जोगे पैसे है नहीं है। सो इन हालात में घर का जो लानेदार है जो कमाई करने वाला है उसनू कैंसर की बीमारी का हो जाता है, कैंसर हो जाता है, पैसे तो असमर्थ दिहाड़ी टप्पा करता कैंसर इलाज किवें कराएगा। सो घर के हालात भी काफ़ी माड़े ने अते पैसे भी है नहीं है दिहाड़ी टप्पा करके तो गुजारा ही मसी चलता है। सो इस घर की दास्तां यह है कि एक कुड़ी इस घर की वड्डी कुड़ी जो कि उन्हूं काफ़ी अच्छा गाण का शौक आ, काफ़ी अच्छा गाँवी भी आ, चा भी है भी मैं उपर उठ के एक चंगा सितारा बना चंगा गायक दे विच नाल करा। पर घर के हालात कुछ ऐसे हो गए ने कि भी जाण तो असमर्थ आ जा जाण दा किराया है नहीं आ। एक दो वारी एडिशन भी दिते गए ने अते एडिशन विच भी पैसे मंगे गए ने, ते पैसे ना होण करके वह कुड़ी हुण इत्थे घर ही बैठी है, गाउंदी भी चंगा गला भी चंगा रियाज़ भी करदी है, लेकिन घर के हालात जो कि काफ़ी माड़े ने। सो गल भी करावांगे उस कुड़ी नाल कि किस तरह उन्हें ये सफर तय किया इतों तक पहुँची है, क्योंकि घर के हालात करके उन्हें अपना जो गान सीगा वो छड़ता, अपना सुपना टुटता नज़र आ रहा। सो गल करांगे तस्वीर उस लड़की दियाँ, बदनसीब लड़की कह सकते हैं जिहदा सुपना सी मैं गाउण पाने विच कुछ ऐसा करा कि लोग मैनू पछाणन, मेरी आवाज़ पछाणन, तो मैं कितें कोई चंगा मुकाम हासिल कर सकां। सो पुछांगे भी कदों तो शौक पिया अते किन्ना हालातों में इन्होंने जो सीखना चालू किया। सत श्रीकाल बेटा। सत श्रीकाल। की नाम आपका जी? लवप्रीत कौर। ए लवप्रीत जी, पहले तुसीं ये दसो भी तुहानूं जिहड़ा गाउण दा शौक आ वह कदों तो पिया? मैनूं 5 साल तो पिया शौक, तो फिर मतलब मैं कीर्तन सीखा, मम्मा उन्होंने मैंने कीर्तन पर पाया, फिर मैं मतलब 4 साल उत्थे लाए, फिर पापा ने मतलब इदा कैंसर हो गई, फिर उन्होंने करके मैं मतलब जाती नहीं क्लास से, फिर फीस मतलब ज़्यादा हो गई उन्हों की, तो फिर हूँ मैं इस करके अपनी कर सुपना सी तुहाडा भी तुसी एक चंगे गायक बनो, एक नाम होवे तो तुसी भी चमकते बाकी गायकों वागू जिहड़ा असमान ते मतलब तारिया वागू चमको। मैंने बहुत सुपना है कि मैं अपनी सक्सैसफुल होवां, पापा मतलब इदा मेरी दिहाड़ी लाते हैं वो ना करें, मैंने बहुत मतलब दुख होंदा वा कि मतलब मेरी मम्मा लोगों के घर जाके काम करते हैं, मतलब मैं कई बार रोन भी आता पे मतलब मैं अज सक्सैसफुल होंगी तो मैं नहीं जान देना इन्होंने। की गल की हुई पापा नु? पापा की बीमार क्यों रहिंदे है, की चुप्पड़े? पहला उन्हां दी मतलब लत्तां तो मतलब टुट गया, फिर मतलब 3 साल इदा मंजी ते रहे, फिर मतलब 2 साल तो बाद उन्होंने कैंसर हो गई, फिर उन्होंने किरणा पईआं ते हुण मतलब उन किरणा करके उन्होंने मतलब काम नहीं हुंदा, इनफेक्शन हो जाती है, हाले तक भी इदा चलदा है। हुण कितना कितें अपना सुपना जिहड़ा कि तुसीं वेख्या सी ओह टुटदा नज़र आ रहा, क्योंकि घर दे हालात ही इहो जिहे हो गए ने, हुण नाल तुहाडियां फीसां तारियां जाणियां ने, ते तुसीं दस्सिया सी भी मेरी फीसां खुणो, मैं जिहड़ा वजाउंदी आ सिखदी आ कीर्तन सिखदी सीगी ओह वी छड़ता, क्योंकि फीसां काफ़ियां देण वालियां सी। हाँ जी, मतलब फीस बहुत जमा हो गई सी, फिर मैं इस करके कीर्तन भी छड्डता, तो मतलब मैं कई ऑडिशन च भी गई सी किसमें कितने है दम, तो उतों भी मतलब 2 बारी फोन आया भी मतलब उत्थे फीस ज़्यादा लगी, फिर मैं उत्थे भी नहीं गई, मैं मम्मा ने भी नहीं दस्या भी मतलब इदा मैंने कॉल आई आप ही पैसे मंगन डे, फिर मैं चुप करके इदा बैठी गई। जी बिल्कुल, किसमें है कितना दम च इसनों पार्टीसपेट किया, तो अच्छे इनू फोन भी आया सीगा भी तुसी फाइनल राउंड चुने भी गए हो, लेकिन उन्हां दी कुछ फीस सी जिहड़ी फीस असी नहीं सी देख सकते, फीस ना देण दे कारण वह भी ऑडिशन छड्डना पिया, फीस ना होण दे कारण हारमोनीयम सीखदी सी कीर्तन सीखदी सी वह भी छड्डना पिया, क्योंकि घर के हालात इन्ने माड़े ने अते बाप जो कैंसर का मरीज़ है वह काम नहीं कर सकता, कदी कदाई काम करता दिहाड़ी लाउंदा अते घर वापस आ जांदा, क्योंकि जे गर्मी च काम करे तो कैंसर का मरीज़ जिहड़ा उन्हूं कोई प्रॉब्लम आ जांदी है, उहदे करके दिहाड़ी नहीं ला सकता। तो गुड़िया तुसीं दसो भी बापा ने जो हो कैंसर होया तो उस तो बाद दिहाड़ी लाते हैं कि नहीं लाते? लाते हैं, मतलब कई 15 दिन जाते 15 दिन, फिर इदा मतलब घर रहते, इनफेक्शन हो जाती उन्होंने धुप्प के नाल। हुण तुसीं कीर्तन सीखते हो वो सानू साडे दर्शकां नू सुनाओगे कोई कीर्तन वगैरह शब्द वगैरह गा के? जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर
कुरे अपने ते सोई सोई देवे सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे इहां उहां सच होवे। जो मांगे ठाकुरे अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जी बिल्कुल काफ़ी अच्छी आवाज़ भी है काफ़ी कुछ सीखा भी है कुड़ी ने, लेकिन हालात यहो जे हो गए ने भी हुण पैसे नहीं आएगे देने वास्ते सीखे कितों। सो ऐसी सुरीली आवाज़ सानू प्रमोट करना चाहिए है अगे अगे इस बच्चे लियाना चाहिए है। बेटा तुसी इस तो अलावा होर की कुछ सीखा दसो? सिंगिंग का शौक भी मैनू मतलब सिंगिंग का शौक भी है वो सीखा है तुसी? वो सीखा नहीं मतलब हाले क्लासा लाउनी है मतलब उवें मैं गा लैनी हाँ। तो साढ़े दर्शकों नू कोई गा के सुनाओ वधिया जगी से। इक और ते बना तिका तोरा बने जो सीधी सब चुप करके तू भी लाड ले दुख मैनू दिते तेनू पाया सिवे दुख जर के एक मापिया दे करे खेड खेडी उदो बाद से आप पुत्रा तेरे बापू दी शराब ने जवानी रोलती तेरे चिट्टे रोल देना है बड़ापा पुत्रा तेरे बापू दी शराब ने जवानी रोलती तेरे चिट्टे रोल देना है बड़ापा पुत्रा। मैं नी चाहनी तेरे कारे आवे जो बेगानी हो भी मेरे वांगू करे मन कोस दी फिर खून दी था डगा चर नच जाच जावे ओ दी चाड़ दी प्यार पर लोच दी फिर जगदीप वे संगाला पिंड पावे लानता जगदीप वे संगाला पिंड पावे लानता कदे पुठे राए जान दिता मापा पुत्रा तेरे बापू दी शराब ने जवानी रोलती तेरे चिट्टे रोल देना है बड़ापा पुत्रा तेरे बापू दी शराब ने जवानी रोलती तेरे चिट्टे रोल देना है बड़ापा पुत्रा। जी बिल्कुल बहुत प्यारी आवाज़ है गुड़िया दी, असी भी चाहते हाँ भी इस प्लेटफॉर्म मिले जो सुपना वेख्या वो यदा साकार हो। बेटा तुम ये दसो भी हूँ तेरे बापा जी जे दिहाड़ी घट ही लाते हैं कैंसर का भी उन्होंने शिकायत हैगी है, लेकिन कितना कितने तुम अपना सुपना टुटता नज़र आ रहा कि तुहाडा सुपना हुण बच्चों मंज काफ़ी सुपने होंगे मैं ये करांगी वो करांगी बहुत सुपने मैं कई बार अपने सुपने टुटते भी वेखे भी मैं जरूर सक्सैसफुल होवगी पर मैं नहीं होंगी। मैं बहुत शौक आ भी मैं कितने वीडी स्टेज पर जाके गाव पर कोशिश ही नहीं होंगी। कि घर के हालात किदा है इस टाइम? घर के हालात हले भी बहुत माड़े आ हले मैं मतलब स्कूल जानी हाँ स्कूल दियाँ फीसा भी नहीं कई कई बार तर दियाँ और मैनू पता भी मम्मा किदा फीस देंदे आ मैं अपनी कॉपी लैन तक भी नहीं मम्मा नू दसदी भी हाँ भी मैं कॉपी लैनी वह भी डरती रहनी आ भी मैं कॉपी नहीं लैनी। फीसा की गल करिए कई बार स्कूल तो बच्चों को क्लासा उठा के कहें भी तेरी फीस नहीं आई तेरी नहीं आई तेरे दो महीने हो गए उदो भी कितने कितने मन च आता नहीं क्लास के सामने कुड़ियों सामने बेइज्जती होंगी ज हाँ जी जरूर होंगे कई बार बहुत दुख होंगे भी आप भी मतलब इदा वे होंगे वो बहुत सोची था कुछ ना कुछ। तो फिर की हूँ दसो हम पापा तो ठीक नहीं है मम्मा तो जे लोगों के घर के भांडे सफाइया करके गुजारा करते तुम अपना फ्यूचर हूँ की करोगे किदा करोगे अगे मिनटें मैं तो यही आस आ भी कोई मतलब मेरी आवाज़ वेखे मतलब इदा मैनू जज करे मैं बहुत मतलब कोशिश करूँगी मतलब अपनी ट्रेंथ होने की मैं क्लासा ला सकता बस यो ही पील है मेरी दस भी किसमें है कितना जन तुम पार्टीसपेट किया उतों भी कॉल आई लेकिन उतों भी पैसे मंगे गए हैं घर के हालात इन्ने माड़े हो गए भी तुम उसे ऑडिशन जान जोगे नहीं है जे कम से कम तुम जाते कि कोई पहुँचते तो फिर तारी आवाज़ कई लोग सुनते तो मतलब काफ़ी चंगा गा सकते। हाँ
हाँ जी मैंने फोन आया सी, पहला मैं गई उन्होंने मतलब 1600 रुपया फीस मंगी, फिर मतलब उन्होंने कहा भी तुसी कोई गाने तुहानू सिलेक्ट किया नैक्सट राउंड च आयो, फिर मतलब उन्होंने फोन किया, फिर उन्होंने ज़्यादा पैसे मंगे तो फिर इदा नहीं मतलब जाया गया। उदो फिर मन च काफ़ी ठेस पहुंची होनी है, रात में रोन भी आता होना भी काश मेरे माँ प्यो के इन्ने पैसे होंगे 2000 रुपया भी हों तो मैं उत्थे जाके तो अपना परफॉर्म कर दी तो कितने ना कि अब जरूर पहुँचना सी। बहुत मन ठेस पहुंची भी काश कि अज मैं भी मतलब मम्मा होना को पैसे होंगे तो मैं भी जा सकती मतलब अपनी जिंदगी सक्सैसफुल हो सकती। जी बिल्कुल, असं भी चाहते हैं भी इस वीडियो वो तो शेयर करो ता जो इस कुड़ी की आवाज़ लोगों के कना तक पहुँचे, लोगों के मोबाइल तक पहुँचे, लोग भी सुन इस आवाज़ में अगे प्रमोट कर ता जो इस कुड़ी का सपना पूरा हो सके, क्यों घर के हालात इन्ने माड़े हो चुके हैं भी इस कुड़ी का सपना है वो पैसों बगैर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पिता को कैंसर की बीमारी है और जो माता है लोगों के घर के काम करके कपड़े भांडे मांज के गुजारा कर रहे हैं। तुहानू पहला भी दस्सिया कि हालात इन्ने माड़े हो गए भी अपना ढिड का जाया बच्चा किसी नूं दिता, क्योंकि पालन पोषण जोगे पैसे नहीं सीगे, इस करके अपना बच्चा किसी नूं दिता भी तुसीं पालो। सो हालात इन्ने माड़े ने तो गल भी करांगे उस मां नाल की कहना उस मां दा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत करके इस बच्चे नूं पालिया, दो बच्चे पाल रही है तो एक बच्चा जो देता है। सो गल करते हैं उन्होंने मां नाल की कहती है मां उन्होंने। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। की नाम? मनजीत कौर मेरा नाम जी। की इस टाइम घर के हालात किदां दे? घर के हालात भाजी बहुत माड़े ने, तो बेटी ने सुपने वेखे आ कदी कदी, तो मैनू कहिंदी आ मैं कदी कदी कह भी दिंदी वी लवप्रीत तू सुपने बहुत वड्डे वेखे आ पुत, पर साढ़े को इन्नी गुंजाइश नहीं हैगी कि सुपने तेरे पूरे कर सकी। नहीं बच्चों का काम है सुपने वेखना, उन्होंने ये नहीं पता सुपने वड्डे आ कि छोटे आ, हूँ वो आवाज़ इन्नी सोहनी है, वह सुपना भी मैं गायक बना, लोगों के गायकों को सुनती है तो मैं गायक बना तो मैं भी कितना कितने मुकाम पर पहुँचा तो घर के हालात ठीक हो जाए। हाँ जी घर के हालात ही भाजी इदा दे कि फिर नहीं वो फीसा नहीं को दिखाई जा, दो तीन बारी कॉल आई है तो नहीं फीस यदि दी नहीं गई तद करके बेचारी फिर रह जाती है, तो यो ही साड़ी है रिक्वेस्ट चलो जे कोई यदि आवाज़ में सुन के तो चलो बच्ची दी कोई हेल्प हो जाए तो चलो ये भी कोई चंगे मुकाम पर पहुँच सके। इन्हों फादर साहब का की हाल है, की प्रॉब्लम उन्होंने? भाई उन्होंने पहला तो उन्होंने लत्तां टुट गई सी दोवें, तो वह 3 साल मंजी तो रहे इदा ही, फिर मैं नाल काम करना नाले बच्चों वेखना नाले उन्होंने वेखना, फिर थोड़े 2 साल पे उन्होंने कैंसर हो गई आ, तो हूँ तो बिल्कुल ही मतलब काम नहीं उन्होंने को हों नहीं है कि कित एक अद्धे दिन दिहाड़ी ला लैन, तो वह भी उन्होंने एलर्जी हो जाती सीमेंट तो या इस तरह, तो फिर नहीं काम नहीं होंगे उन्होंने को, फिर मैं इस तरह मेहनत करती अपने बच्चे पढ़ाई हाँ तो इन्हों का देखभाल इस तरह मेरे को होर फीसा नहीं दतिया जा, सुपना ही बेचारी का पहला कीर्तन का सगा तो वह भी इस तरह फीसा बहुत जमिया जमा हो गई, फिर साढ़े को नहीं दती गई तो फिर उदो भी बेचारी इस तरह रह ही गई इन्होंने हालात जी। एक माँ वास्ते अपना ढिड का जाया बच्चे नूं देना किसी नूं देना बड़ी वड्डी गल हुंदी है। पर मैनूं पता सर कि कोई भी माँ अपने बच्चे नूं दे नहीं सकती, पर घर दे हालात एडे माड़े सी कि मैनूं देना पै गया। मेरी बेटी छोटी सी ये वड्डी सी मेरे को बच्चे पलते नहीं सी, उन्होंने घर के हालात एडे माड़े सके तो सर उन्होंने इन्होंने नानकिया ने खड़ी आ उन्होंने देती सी, उन्होंने कहा मतलब तेरे को नहीं मंजी तो इन्ने बच्चे पलते हैं तो तू कोई गल नहीं दो सू दे अं आपे परविश वधिया कर लाँगे। हाँ जी क्योंकि माँ को बच्चा वह एक मिनट ही ओले हो जाए ना तो माँ के दिल में धुड़कू लग जाता भी मुंडा मेरा बच्चा मेरा कितने गया लभदी फिर सारे पिछे तो किन्ने साल हो गए दिते बच्चे अज तक वेख्या मुड़ के भी बच्चा ठीक है? हाँ जी वो तो वैसे नानके ही अपने वेंदे रही दा वा, बट पर जो अपने अखा सामने बच्चा बाकी बच्चे अपने मेरे अखा सामने रेंदे आ हरा मतलब जी करता कि वह भी मेरे कोल ही होवे, जिदा बाकी बच्चे बिठा के रोटी खवाते हो दिल च भी आता भी मैं तीजा बच्चा हों मैं भी बिठा के रोटी खवादी उन्होंने हाल चाल पुछदी। हाँ जी सर हों बहुत आ पर मजबूरी आ कि इन्हों महा मेरे को फीसा महा तर दिया तद करके थोड़ी जी मजबूरी है इस करके देना पैया। मैं भाजी इस तरह बहर काम कर करती हाँ तो बर्तन लोगों के साफ सुफ कर लेते हैं बाकी काम कर करीदा।
तो दसिया कुड़िया ने भी डैडी की दिहाड़ी भी कभी कभी लगती है कैंसर की प्रॉब्लम है तुम्हें भी दसिया तो उन्होंने एलर्जी हो जाती काम करद धुप नालों या सीमेंट नालों एलर्जी हो जाती है तो फिर घर का गुजारा तुम करते हो दो ढाई हज़ार रुपया तुम कमाते हो बच्चों दी फीसा घर का गुजारा खर्चा पानी कोई बीमार हो जाए वो भी दवा दू लिया है वो कितना मेनटेन होंगे भाजी इस तरह जदों होवे कोई बीमार हो जाता फिर मैं एडवांस भी पैसे फट के इन्हों वेखना पैंता भी दवाई भी दवानी पैंती है इन्हों के पापा की बहुत दवाई महंगी आँदी है उन्होंने भी दवाई दारू करवाना पैंता कि ना कि किस्मत में कोसते हो गए नहीं तो अपने कहोज किस्मत लिखी है भी मैं जो बच्चे दिते तो पालन का सुभाग्य नहीं दिता एक बच्चा मैं किसी देना पाया हाँ जी ये सर लगता वा पर हूँ की करा मजबूरी है मेरी ना देना पै गया कुछ चलो ही है ने चलो ये किसी मुकाम पर पहुँच जाए चलो उन्होंने भी पता वा हूँ उन्होंने पता लग चुका वा कि मेरा माँ प्यो ये वा तो मैं भी चाहनी चलो जो चंगे साढ़े घर के हालात हो जाए तो मैं भी उन्होंने लैके आ सका इतने पर हालात कितना ठीक हो गए हूँ तो कैंसर की बीमारी है कि पता कदों ठीक होनी हो दवाइया भी बहुत महंगी ने आदि ने तो घर के हालात भी यह भी रोटी खाने जोगी भी मतलब बहुत मुश्किल करनी होंगी है हाँ जी सर ये तो है वा घर के हालात तो हूँ इदा ही आ बस अपने को जो जिन्ना क मेरे को होंदा उन्ना क मैं मेहनत करके अपने बच्चों इन्ना कि जोगा बेचारे जोगा हो सकता मैं इन्हों पाल सकती हाँ तो पर फिर भी हुंदा ना मन दे विच कि सारे बच्चों भी मैं लागे भालिया वह भी मेरे लागे हो चाहे मैं जिस तरह बाकी बच्चे प्यार करते वह भी इस तरह प्यार करे जी बिल्कुल माँ का ढिड दा जाया बच्चा जो कि एक मिनट अखों ओले हो जाए तो माँ को यह होंगे भी मुंडा मेरा बच्चा कितने गया मैं लब्भा लियावा कोल लवाना बाकी बच्चों जिदा रात रोटी खवादी है कोल सौंदी है तो माँ का दिल भी करता भी तीजा बच्चा मेरा कोल होनी मैं लूरी देव थापड़ के सवावा पर घर दिया मजबूरियां तुम्हें पहले भी दसिया घर दिया मजबूरियां ऐसा हो गई कि अपना ढिड का बच्चा जाया ही आप किसी को देना पै गया पालन वास्ते क्योंकि हालात ही इन्ने माड़े हो गए ने भी घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया सो गल भी करांगे उस धी ना जिसकी आवाज़ जी सोहनी है असं बार बार फिर यही कहांगे इस वीडियो ज़्यादा शेयर करो क्योंकि इस धी की आवाज़ लोगों तक पहुँच सके जो लोग इस गांह तोड़ सकन इस सुपना पूरा होंगे दिखाई दे असं भी कहने इस धी का सुपना पूरा हो जाए जो इसने वेख्या बेटा जी सानू दर्शकों को कुछ होर गा के विखाओ गीत वगैरह को वधिया एक सुनो सुनाओ कबरां विच्चों बोली माए दुख सुख ती नाल फोली माए कबरां विच्चों बोली माए दुख सुख ती नाल फोली माए आवाता में आवा माए आवाता में आवा माए आवा केड़े चावा ना मामे मुड़नी पेके आना पेके हुंदे मावाना मामे मुड़नी पेके आना पेके हुंदे मावाना पापियां नक बुल वट दिया ने ते वीर बेबस लग देने बुढ़े बाप दे फिर उबाले अंदरों अंदरी वग देने ओही कर है ओही वेड़ा ओही कर है ओही वेड़ा कादा माने परावाना मामे मुड़नी पेके आना पेके हुंदे मावाना मामे मुड़नी पेके आना पेके हुंदे मावाना जी बिल्कुल बहुत प्यारी आवाज़ है बंदा सुन के भावुक हो जाता भी एड्डी छोटी जी कुड़ी एड्डी सोहनी आवाज़ गाँदी है कीर्तन भी सीखे है सुपना भी है भी मैं कित स्टेज पर गावा मैनू भी एक मेरा सुपना पूरा हो बेटा जी दसो भी तुहानू पता भी ताड़ी एक छोटा भरा बेटी है भैन आ वो किसी नानके देती है ताड़ा ही दिल करता भी वो इतने आवे साडे कोल रवे साडे नाल सोवे हाँ जी जरूर दिल करता सर मैं कई बार तो मतलब रो भी पैनी हाँ भी काश कि वो साडे कोल होंगी उन्होंने नहीं सी पता पर लेकिन मैनू पता सी पर घर दिया ने शो नहीं होने दिता भी सू किसी भी नहीं पता बहुत दिल दुखता भी साडे कोल होंगी वो मतलब आपा दोवें कट्ठे रेंदे तुसी कभी कहा नहीं मम्मी डैडी भी उन्होंने लै आओ इतने असं कट्ठे रह लाँगे असं अद्धी रोटी खा लाँगे लेकिन उन्होंने इतने लैके आओ मैं कहती नहीं सी होंगी लेकिन मैं एक कॉपी बनाई सी उत्ते जरूर लिखा हों उ जो एक एक निकी निकी गल अपने घर की लिखनी भी मतलब उन्होंने लै आते आप जिदा का भी गए मेरी फीस तर दी वो भी तर जाती पर लेकिन नहीं होया कुछ
दिल तो बहुत करता भी साड़ी छोटी भैन आ जो साढ़े आदि इकट्ठे अं खेलते एक भरा दो भैन इकट्ठे खेलते तो कि मज़ा आना सी। हाँ जी बहुत दिल करता सर जी बिल्कुल कितना कितने बच्चों का दिल करता भी साड़ी छोटी भैन होंगी साढ़े नाल खेलती क्योंकि दो बेटियां तो एक बेटा वा जो एक बेटी छोटी है वो इन्होंने नानके अडॉप्ट करती देती है ता जो मतलब उत्थे चंगी तरह पाल सके क्योंकि घर के हालात बहुत माड़े ने इस करके उन्होंने देती है भी उत्थे चंगी तरह पाल जाएगी। सो असी इस कुड़िया का नंबर ही जरूर लवेंगे जो मेरे वीर भरा ने इन्हों तक पहुँच करनी हो गल करनी हो सीधी डायरैक्ट गल कर सकता ता जो ये अपना सुपना पूरा कर सके। ये बेटा अपना नंबर दिए 8196070650 8196070650 जी बिल्कुल यह इस परिवार का नंबर है जी किसी भी वीर भरा ने मेरे रब वाले स्रोते ने गल करनी हो इस परिवार की मदद करनी हो इस नंबर से सीधा कॉन्टैक्ट कर सकता है इन्हों की मदद कर सकता है क्योंकि धी का सुपना है भी मैं कि जाके चंकी स्टार बना चंकी गायक बना। सो घर के हालात गरीबी इन्नी है भी फीसा तक नहीं दी जे घर के हालात ठीक होंगे 2000 रुपये दिता हों ता एडिशन दिता गया सीगा उत्थे फीस भरनी सी ते कुड़ी ने अज किते दा किते होना सीगा पैसे नहीं दिते गए ते कुड़ी जिहड़ी आ घरे बैठी है हुण अपना सुपना इत्थे पूरा करेगी क्योंकि पैसे नहीं हैगे। सो वध तों वध शेयर करो अपने वीरां भरावां नूं कहांगे शेयर करो ता जो इस कुड़ी दा सुपना पूरा हो सके किसी रब वर्गे स्रोते तक इह वीडियो पहुँच सके ते जो इस दी परिवार दी बांह फड़ सके। कैमरा पर्सन जिंदर कुंडे नाल जसविंदर बिद्दी D5 पंजाबी चैनल गुरदासपुर। होएगी किसानां दी गल नवी खेती मशीना बीजा ते बागा दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो बेल आइकन ते क्लिक करो।